जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ एलआर तिवारी कॉलेज के पास मीरा भाईंदर की, और यहाँ पर ही सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से, गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग लग गई थी। मेरे साथ मौजूद है सर, आपका नाम? विशाल त्रिपाठी। विशाल जी मौजूद है मेरे साथ। सर आप यहीं पास में रहते हैं, अगर मुझे आप कुछ बता पाए कि आग कैसे लगी थी और कितने बजे लगी थी। देखिए क्या हुआ कि मेरी बिल्डिंग इससे सटी हुई है। यस यस। तो पहला ब्लास्ट हुआ बहुत जोर का, हमने देखा किधर क्या ब्लास्ट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। अच्छा। फिर देखा आग की लपटें बहुत तेजी से, तो मेरे बच्चों ने पूरी बिल्डिंग का जो गैस पाइपलाइन था वो बंद कराया। हाँ। और मेरे बच्चों ने पुलिस को फोन किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया। जी जी। और हम लोग तत्पर हो गए क्योंकि कितने बजे लगी थी अंदाजा? ये कुछ 12:10 के आसपास लगी है। और फायर ब्रिगेड आई और उसको आधे घंटे में फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। और मैं शुक्रिया करता हूँ पुलिस वालों ने जो रोल निभाया, इट्स वेरी एक्सीलेंट। एनीवन फायर ब्रिगेड, हाँ फायर ब्रिगेड से पहले पुलिस वाले आ गए, उनका भी मुझे फोन भी आया था। हाँ। कि सर हमने टीम पहुंचा दी वहाँ पर। हाँ। और कोई जनहानि नहीं हुई, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, कोई जीवित हानि नहीं हुई? नहीं। ये 12 बजे के आसपास आग लगी थी क्या? यस यस यस। तो दोस्तों अगर मैं आपको वो साइड दिखाऊं तो अभी भी यहाँ फायर ब्रिगेड मौजूद है, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड स्पॉट पर आई, पुलिस स्पॉट पर आई और आग पर काबू पा लिया गया है। ये आग एलआर तिवारी कॉलेज के पास, इसको केडीएम पार्क, केडीएम पार्क से सटी हुई बिल्डिंग है, तीर्थ प्लाजा से सटी हुई बिल्डिंग है। ओके। बाजू में एलआर तिवारी कॉलेज है। ओके सर। ओके। तो यहाँ पर भीषण आग लग गई थी दिन में, जिसके संबंध में वीडियो स्क्रीन पर चल भी रहा है, लेकिन अभी ये आग पूरी तरह से काबू में है। और जैसे कि सर ने हमें जानकारी दी कि कोई जीवित हानि नहीं हुई है, और ये आग का जो मेन रीज़न अभी तक सामने आया है वो सिलेंडर का ब्लास्ट होना। दोस्तों ये आग बुझने के बाद वही स्पॉट बता रहा हूँ जहाँ पर आग लगी थी, एलआर तिवारी कॉलेज के पास। और एक चीज़ पर जो मैं फोकस करना चाहूँगा, ये आप पत्रे देखिए, पत्र के हाल देखिए, तो इसी से आपको समझ आ गया होगा कि कितनी भीषण आग थी। यहाँ झोपड़े वगैरह थे क्या विशाल जी? हाँ जी। तो जितनी मुझे जानकारी मिली है यहाँ झोपड़े वगैरह थे, यहाँ झोपड़े सब जल के राख हो गए, पत्रे के झोपड़े थे। यस यस, सब पत्रे के झोपड़े थे, जल के राख हो गए हैं, लेकिन जीवित हानि कोई नहीं हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत ही शुक्र की बात है, भगवान अल्लाह का शुक्र है कि कोई जीवित हानि नहीं हुई। ये मैं आपको स्पॉट बता रहा हूँ जहाँ पर आग लगी थी, और स्क्रीन पर सिलेंडर के भी वीडियो चल रहे हैं, जो सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे वो फायर ब्रिगेड लेके गई है। अभी करीबन 2 बज रहे हैं और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है।